जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट की। रीट के अंदर आपका, आपको सभी को पता है, एसएसटी का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट लेवल का आ गया, सेकंड लेवल का आ गया, सब का आ चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अध्यापक भर्ती लेवल टू में विज्ञान गणित का भी रिजल्ट आ चुका है। और आपका रिजल्ट आने के बाद इतने बच्चे भी पास नहीं हुए, देख सकते हैं 1051 पद भी खाली रह गए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, नई भर्ती आपकी कब तक आएगी, ये सारी जानकारी इसके अंदर देखेंगे। इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस सेशन को तक जरूर देखना। इसी टाइप की इंफॉर्मेशन वीडियो में बनाता रहता हूं और आपकी नई नई इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवाता हूं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप जाइए ज्वाइन करिए। और डेली नई जीके की क्विज, राजस्थान जीके आपका बदल चुका है, वो जीके आपको उपलब्ध हो रहा है वहां पे। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो तो आपको सभी तरीके क्विज, सभी सब्जेक्ट के 5-5 डेली प्रश्न मिलते हैं। जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए और ORJAT एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन, डेली क्विज वगैरह टेलीग्राम पर तरह आपको वहाँ पे मिलती है, असली के नोट्स भी मिलते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं, देखिएगा सामान्य शिक्षा नॉन TSP कट ऑफ की रह गई है, ये आप देख सकते हैं। सामान्य की 198 और सामान्य महिला की 198, EWS की 187, ये कट ऑफ वगैरह आपने सारी सब कुछ देख ली है। विज्ञान गणित के अंतिम परिणाम में 7435 पदों पर 6384 अभ्यर्थी का ही चयन हुआ है, 1051 पद रह गए खाली। आपकी नई रीट की भर्ती कब तक आ सकती है, प्री भर्ती कब होगी और मेंस की परीक्षा कब होगी, ये सारी जानकारी देखते हैं। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, मेंस की और प्री की ये आप न्यूज़ आप टेलीग्राम पे भी पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा आपको मैं बता दूँ कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं नई आपकी वैकेंसी जो आपकी आनी चाहिए, वो आचार संहिता से पहले पहले जारी हो जा रही थी, लेकिन अभी तक आपकी नई वैकेंसी के लिए नई प्री की हुई है और नई मेंस की हुई है। तो आचार संहिता लग जाएगी अभी कुछ ही दिन में, आपकी 15-20 दिन के अंदर अंदर आचार संहिता लगने वाली है, अक्टूबर के 2nd वीक तक लग जाएगी। तो आप निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आचार संहिता वोट वगैरह वोट होता ही रहेगा। आपकी अशोक गहलोत को तो वोट कतई नहीं देना है, क्यों नहीं देना, क्योंकि 5 साल में बहुत ने एक रेट की निकाली है वैकेंसी, क्या कर सकते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। तो कम से कम 2-3 वैकेंसी तो करा दें, 2 वैकेंसी तो करा ही सकता है। तो ध्यान रखें वोट किसको देना है, नया कौन मुख्यमंत्री खड़ा हो बीजेपी के अंदर वो ध्यान में दे लेना। आप ये मत बोलना कि आप बीजेपी के सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ बेनीवाल को दो, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, सबसे बेहतरीन बंदा है, सब जगह मुद्दा उठाता है बंदा। तो इस टाइप के बंदा हो ना, तो क्या ना बात तो उठाएं, आगे बात तो करें भाई, ये नहीं हो रहा, बच्चों की मांग ये है वो है। तो यार बच्चों की मांग तक नहीं रख रहा, अब रीट की वैकेंसी अब करवानी चाहिए, दोबारा नहीं करवा रहा तो क्या कर सकते हैं। तो रीट की वैकेंसी प्री भी होना चाहिए, मेंस भी होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ प्री अभी आचार संहिता से पहले पहले नोटिफिकेशन तक आज तक जारी कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा। बोर्ड को पता नहीं है जो पीछे की वैकेंसी होती है ना, बोर्ड का काम क्या रहता है, बोर्ड का काम रहता है वैकेंसी टाइम टू टाइम करवाने का। तो वैकेंसी तो पीछे की है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया, उनको ज्वाइनिंग करवाने की प्रोसेस तक चला गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि नई वैकेंसी भी निकालनी है क्या। नोटिफिकेशन जारी करो ना, इन्फॉर्मेशन दो बच्चों को कि अभी आपका इतने टाइम बाद एग्जाम होने वाला है, तो आप तैयारी तो करें उस हिसाब से। नया सिलेबस लागू होगा, पुराना होगा, उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है, बोर्ड जारी नहीं कर रहा। टीचर सभी नया सिलेबस पढ़ा रहे हैं, अब RS का एग्जाम है, उसके अंदर कुछ ही पता नहीं है, नया पूछेंगे, पुराना पूछेंगे, क्या नहीं करेंगे। RPSC नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकती, इसी टाइप का माहौल बना रखा है ना, बेकार बहुत सारा। तो नई सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।